हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे नाइन्थ स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा का रेशो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर शुरू है। हमारे सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि प्रॉब्लम सेट है जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था इस चैप्टर में, सारे प्रैक्टिस सेट में उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सेट का रिवीजन ही है एक तरीके से समझ के चलो तो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ। सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, वो सॉल्व करने हैं। तो क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से आंसर फाइंड आउट करने हम लोगों को। तो क्या दिया है, सिक्स इफ सिक्स इज टू फाइव इक्वल्स टू वाई इज टू ट्वेंटी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। हमको वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे सिक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन ट्वेंटी। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा ये हम लोगों का, तो 5y इक्वल्स टू 6 इंटू क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 20, तो इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6 इंटू 20 अपॉन 5। तो 5 वन 5, 5 फोर जा कितना होता है भाई, 5 फोर जा हो जाता है 20 और 6 फोर जा कितना हो जाएगा हम लोगों का 24। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया है दोस्तों हम लोगों को 24। तो ये है हम लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में आपको ऐसे लिख देना है, एंसर करके लिखना है और फिर यहाँ पे ऐसा लिख के बी और फिर यहाँ पे 24 ऐसा लिख देना है आंसर को। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 mm टू 1 cm। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 cm, अब हमारा ये जो है क्या है 1 cm, क्या है 1 cm इक्वल्स टू कितना होता है 10 mm होता है, बराबर दोस्तों। तो 1 mm है, हमने इसको mm में कन्वर्ट कर दिया 1 cm को, तो आंसर क्या आएगा सी, बराबर ना। तो सी कितना है हम लोगों का 1:10, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ जतिन नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 and 36 years रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स एज एंड मोहसिन्स एज। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, क्या ये विजिबल है वहां पे, हम लोगों को चेक करना होगा। ठीक है चलो, यहाँ पे लिखते हम लोग, क्या है ये हम लोगों का एज ऑफ नितिन लिखा मैंने यहाँ पे, और ये क्या है हम लोगों का एज ऑफ मोहसिन, बराबर ना। तो मोहसिन का कितना है भाई, एज ऑफ नितिन कितना है, एज ऑफ नितिन नितिन कितना है 24 और ये है 36। तो अगर 12 के टेबल से किया तो 12 2s और ये 3s, तो आंसर क्या आ रहा है 2:3। तो व्हाट इज अवर आंसर, तो 2:3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इक्वल्स टू 2:3। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे तीन सम्स को सॉल्व कर लिए है, 24 बनानास वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल इन द रेशियो 3:5। अब देखो यहाँ पे कितने बनानास थे हम लोगों के, 24 बनाना थे, बराबर ना। अब इनका रेशियो मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं शुभम और अनिल के, तो 8 हिस्से है। कैसे 8 हिस्से है, क्योंकि तीन हिस्सा किसका है, तीन हिस्सा है हमारे शुभम का, बराबर, और 5 parts है किसके, अनिल के। तो टोटल हिस्से कितने हो गए हमारे, तो 3 + 5 तो 6, 7, 8, बराबर ना। तो 8 हम लोगों का हिस्सा है, बराबर। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देन हाउ मेनी शुभम विल गेट, बराबर ना। तो शुभम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं SHUBHAM, शुभम। अब देखो यहाँ पे बनानास कितने हैं भाई, 24 है, इनटू हम लोगों का रेशियो क्या है, 3:5 है। तो हम लोगों को शुभम, शुभम का कितना है, तो मैंने 3 लिखा शुभम का। शुभम का यहाँ पे कितने पार्ट है, 3 parts है, और टोटल पार्ट कितने हैं दोस्तों, 8 parts है, बराबर ना। तो 8 1s are 8 और 8 3s are कितना होता है भाई 24, और 3 3s are कितना हो जाएगा 9। तो व्हाट विल बी अवर आंसर, तो डी इक्वल्स टू 9।
क्या आपको ये लॉजिक समझ गया? टोटल बनानास कितने थे हम लोगों के? 24. टोटल हिस्सा कितना है? तो 3:5, मतलब 3 + 5 विल बिकम 8, बराबर। तो शुभम, शुभम के हिस्से पे कितना था? 3, तो हम लोगों ने 24 × 3 किया, डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से कितने? 8, बस वो करके हम लोगों ने आंसर यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या? मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का हम लोगों का जो वो क्या बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन जो था वही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी किया समझो, तो ये बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 4 × 25, और अगर हम लोगों ने ये इसका स्क्वायर रूट किया बराबर ना, तो इसका क्या आंसर आता है? 10 का स्क्वायर है ये। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या है? 10 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम ही फटाफट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले सम की तरफ। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, बराबर ना। चलो हम लोगों का कैमरा बराबर से नहीं था आज सेट, चलो अब हम लोगों ने कर दिया है उसको सेट। चलो नाउ वी कैन गो सेट, गेट रेडी, गो। तो फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। अरे भाई हम लोगों को रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है इसको, तो कोई बड़ी बात है क्या इसमें? आई थिंक कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? 21 और 48 है। आपको सबको पता ही है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे रेशियोज निकालना सिखाया है आपको, बराबर ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, पहले तो 21 और 48 है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, ऐसे लिखते हैं हम लोग रेशियो इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 21 और 48। अब हम लोगों को ये 21 का तो पता है क्या है कि ये 3 × 7 हम लोग करेंगे, बराबर ना दोस्तों। और ये हम लोगों का क्या हो सकता है, क्या ये 3 के टेबल में आ सकता है? चलो आ सकता है, 3 के टेबल में ये आ सकता है, बट 3 × 6 = 18 होता है, इतना पता है हम लोगों को। तो हम लोग एक चांस लेके देखते हैं, 16 × 3 करके देखता हूं मैं, 3 × 6 = 18 और 3 × 1 = 3 और ये 1 = 4। फ्रेंड्स मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि हम लोगों को कहाँ तक टेबल आ रहा है, खाली 11 तक टेबल आते हैं, उसके आगे के टेबल हमको नहीं आते। क्योंकि मेरे वीडियोस सभी बच्चे लोग देख रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा होशियार है वो भी देख रहे होंगे, जो मीडियम है वो भी देख रहे होंगे, और जिनको मैथ्स में टेबल कम आता है वो भी देख रहे होंगे। मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे वीडियोस कौन देख रहा है वो मुझे पता है क्या? नहीं, तो मुझे तो यहाँ पे डीप में पढ़ाना पड़ रहा है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि वो जो लोग जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है शायद मेरे वजह से कुछ ना कुछ मैथ्स को करे, ठीक है। तो चलो ये हमारी ट्रिक है, इसको हम करते हैं ऐसा। तो क्या किया हम लोगों ने? 3 × 16। अब क्या हो जाएगा भाई, ये 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आंसर क्या बचेगा हम लोगों का? 7 और 16। तो हम लोगों का फाइनली कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर? तो 7 × 16 कितना आ रहा है वो हम लोगों का? तो यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का 7 × 16। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगले सम की ओर। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि हम लोगों के बोर्ड को रब कर देना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको रफ कर देते हैं और फिर हम लोग अपने काम में आगे अग्रेसर होते हैं, बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये मिटा लिया है, अब हम लोगों को फटाफट तरीके से यहाँ पे ये सम को सॉल्व करना है। अब देखो फ्रेंड्स आपको याद होगा, जब भी मैं रेशियोज निकालता हूँ तो कैसे निकालता हूँ भाई? मैं अपना वहाँ पे क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के ही यूज करके करता हूँ। अब टेबल्स तो मैं अगर फटाफट बोल दूँ तो 1 मिनट में मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, बट हमको ऐसा नहीं करना है, सबको ये समझना चाहिए, कुछ ट्रिक तो अलग होनी चाहिए हमारी भी लोगों से, बराबर ना दोस्तों। तो मैं तो फैक्टराइजेशन को ही प्रिफर करता हूँ, और अगर कहीं कहीं पे अगर हमारा थोड़ा बहुत दिमाग लग जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिमाग लगाया था क्या कि मुझे 3 है तो 3 मुझे कॉमन लेना है, ऐसा मैंने समझ के चला, बराबर ना, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 7 के टेबल में 8 कभी भी नहीं आता है। इसके लिए ये सब हमारे ट्रिक्स होते हैं, ये सब बेसिक ट्रिक्स होते हैं, बराबर, जो कि क्या है कि हर मैथ स्टूडेंट को ये आनी चाहिए। बस वही मैंने लगाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं भाई अपने सेकेंड सम की ओर। तो सेकेंड सम क्या है, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये दिया हुआ है 36 और 90। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोगों को खाली 11 तक टेबल्स आते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भाई ये ऐसे फैक्टर वैक्टर करना क्यों सिखा रहा है हम लोगों को, तो क्यों सिखा रहा है? देखो भाई आपका बहुत कुछ चीज यहाँ पे
कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। जो जो मिल रहा है वो सब यहाँ से अर्जित करो, लो यहाँ से। तो चलो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 36 लिखा, अब इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम लोग, बराबर। और यहाँ पे हम लोग इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे ये यह दोनों ही हम लोगों के यूनिट्स प्लेस में है। इवन नंबर तो हम 2 से करेंगे इसको, तो 2 1 2 और ये 2 8 16। अब ये ऐसा 18 आया है ना, तो इसको 2 मिनट के लिए रहने दो। अब यहाँ पे 2 2 4 कितना होता है, 8 होता है, बराबर। और ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये 10, तो ये हो गया 5, बराबर ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या लगाऊ मैं, अब यहाँ पे 3 लगाता हूँ, 3 1 3 और ये कैरी, तो ये कितना हो गया भाई, 3 1 3 और ये 1 कैरी, तो यहाँ पे ये आ गया 3 5 15, तो ये 3 लिखा हम लोगों ने, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिखा, फिर ये हो गया हम लोगों का 5 और ये 1। अब हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो इसको और भी फैक्टर कर देते हो तो भी कोई वाना नहीं है, चलो कर ही देते हम लोग इसको। तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 9 सार, फिर क्या आया 3, फिर 3, फिर 3 और ये 1 हो गया, बराबर ना दोस्तों। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है हम लोगों का, ये 3 3 9, हाँ यहाँ पे भी हो रहा है क्या, देखो ये हो रहा है हम लोगों का, इतना चीज कॉमन हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी इतना ही कॉमन हो रहा है। तो 3 3 कितना होता है भाई, 9 होता है, और 9 2 कितना होता है, 18 होता है। तो हम लोगों को एक बात तो पता चल गया यहाँ पे कि दोनों में क्या है हम लोगों के, 18 18 क्या है भाई, कॉमन है। फिर बच्चा क्या है यहाँ पे, तो 18 2 36 और 18 5 कितना होता है भाई, 90। तो 18 18 विल गेट कैंसल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 और 18 हमारे कैंसल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2/5, दैट इज कितना आंसर आ गया इसका, 2:5। तो यही था हम लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया, बट थोड़ा सा मेहनत किया है। तो मेहनत करेंगे तो हम लोगों का सम क्या हो जाएगा भाई, एकदम ही राइट होएगा, बराबर ना दोस्तों। तो ये है हम लोगों का 65 और हम लोग यहाँ पे लिखा है अभी हम लोगों ने 117, ठीक है ना। तो अब ये जो है कि हम लोगों का 65 है, तो हम लोग क्या करें इसको, 65 है तो 3 से तो नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे 65 5 लिखा, 5 1 5 और ये 1 कैरी हुआ, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो हम लोगों को एक बात तो बेसिकली पता चल गई है यहाँ पे कि ये कौन से टेबल से जा सकता है हम लोगों के, 13 के टेबल से जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 117 लिखना है, आई थिंक सो 7 13 7 हो जाएगा ये, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, 13 9 तक लग जाएगा ये। चलो चलो करते हैं, अब ये क्या है, 11 है और 7 है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से 3 से करता हूँ, बराबर। 3 3 क्या होता है, 9, फिर 2 कैरी हो गया, तो 3 9 कितना होता है भाई, 27 होता है। फिर वापिस से 3 लिखा, ये लिखा 1 और 3, बराबर ना, और यहाँ पे ये आ गया 13। देखो 13 9 आ रहा है, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने दोनों हम लोगों के फैक्टर्स लेके आ गए हैं, 13 यहाँ पे क्या है हम लोगों के, कॉमन है। तो रेशियो इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, 65/117 लिखा, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 13 9 आएगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ जा रहा है, तो 5/9 इक्वल्स टू क्या आ रहा है ये, 5:9। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये थर्ड सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सम की ओर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना रेशियोज इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग, हमारे जो हम लोगों का सम सॉल्व करने का तरीका है उसको थोड़ा भी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये 138, अब मैं क्या करूंगा इसको 2 से करूंगा, 2 6 कितना होता है भाई, 12 होता है, 1 कैरी हुआ, 2 9 इतना आ गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 3 2 क्या होता है, 6 होता है, 3 2 6 और 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये 23, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 23 के टेबल से हम लोग इसको करके साइड में कर देंगे। फिर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 161, और यहाँ पे हम लोगों को अब 7 से ही मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने क्या बोलते हैं, 7 या फिर 3 से भी कर सकते हैं ना हम लोग इसको 161 को, है ना फ्रेंड्स। 7 से करेंगे तो हम लोगों का ये पहली बार में हो जाएगा, 3 में करेंगे तो थोड़ा और बाइफरकेट होते जाएगा, तो कोई वादा नहीं है, चलो 7 से ही करते हैं। 7 2 कितना होता है भाई, 14 होता है, फिर 2 कैरी, तो
7 3 21। तो ये देखो ये कितना जल्दी से हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आंसर आया है इसका वो लिखते हम लोग। तो रेशियो इक्वल्स टू 138 और 161 विच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे पहले वाले का, तो 23 × 6 आया और यहाँ पे क्या आया 23 × 7। तो क्या आंसर आ रहा है 6/7, तो इक्वल्स टू क्या आया हम लोगों को 6/7। तो कैसे हुआ ये, तो ये 23 ये 23 हमारा कैंसल हो गया। अब हम लोगों का ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 114 और 133 के ऊपर। हाँ तो ये क्या है हम लोगों का, इसकी तरफ हम लोग फोकस करते हैं। तो ये है हम लोगों का 133 114 और 133। तो अब देखो जब भी यूनिट्स प्लेस में हम लोगों का क्या आएगा, इवन नंबर रहेगा तो 2 से ही करने का। 2 5 कितना हो गया भाई 10 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया ये 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या लू मैं इसके 3 ले लेता हूँ, तो 3 1 3 बराबर ना, ये 2 कैरी, तो 3 9 27, तो ये 19 6000 हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोगों का 19 6000। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 114 upon 133 equals to कितना आ रहा है ये, तो 19 × 6 लिख के रखा हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये 133 है। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं किसको लेंगे हम लोग, तो 7 को लेते हैं बराबर ना। हाँ 7 1 क्योंकि 3 से तो होएगा नहीं है बराबर ना, 13 तो आता नहीं है उसमें, तो 7 1 7 बराबर 8 9 10 11 12 13, तो 6 कैरी हुआ, 6 63 हो गया ये। तो 63 कब आता है हम लोगों के, 7 के टेबल में 9 बार में आता है, तो ये आ गया हम लोगों का 19 और 1 बराबर ना। तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है हम लोगों का, तो 19 × 7, तो 19 19 विल गेट कैंसल। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 19 19 विल गेट कैंसल, और फाइनल आंसर कितना आ गया हम लोगों को 6 upon क्या लिखा हम लोगों ने 7 विच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है ये हम लोगों का 6 × 7। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमको चलना पड़ेगा अपने अगले सम की ओर। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले रब कर देते हैं, इरेज कर देता है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो पहले ही ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोगों को थर्ड सम सॉल्व करना है, जो भी क्या वो भी क्या है कि हम लोगों के ऐसे ही रेशियोज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो, तो फ्रेंड्स आपको ये जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आपके थोड़े से बेसिक्स जो होने चाहिए अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट आपको 15 तक टेबल्स आने चाहिए। और अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए मैंने ये ट्रिक भी बता दी है बराबर ना। क्या है कि हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन तो एक ईजी चीज़ है भाई, अगर आपको डिवाइड और ये सब चीज़ नहीं आता है तो अब इससे ज़्यादा और कौन सा ट्रिक लावे बराबर ना। अब आपको अगर डिवाइड वगैरह सीखना है तो आप डिवाइड सीखो, फिर वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे अभी अपना ये कंप्लीट करते हैं, कौन से सम्स को, थर्ड सम्स को। तो चलो यहाँ पे अब थर्ड सम को शुरुआत करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम में लिख रहा हूं, इसको भी हम लोगों को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो क्या है ये, रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या है ये रेडियस, रेडियस टू द डाई, रेडियस टू टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अब ये रेशियो हम लोगों को बनाना है, क्या करना है हम लोगों को, रेशियो इक्वल्स टू, अब यहां पे हम लोगों को क्या बोला है, रेडियस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, रेडियस ऑफ अ क्या है ये हम लोगों का सर्कल अपॉन क्या है ये हम लोगों का डायमीटर ऑफ अ क्या है ये हम लोगों का सर्कल बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने ऐसा लिख दिया।
तो रेडियस, रेडियस क्या आएगा हम लोगों के सर्कल का, कभी भी ये आर होएगा, और कितने रेडियस का डायमीटर बनता है, तो 2 रेडियस का डायमीटर बनता है। ये सब चीज तो हम लोगों को बेसिक पहले से पता ही है। तो ये आर कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का आंसर क्या आया, 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1:2। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले सम को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकेंड सम की ओर, जहां पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे चलो। तो अब हम लोग इसको सम को सॉल्व करते हैं, कौन से सेकंड सम को। तो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ द लेंथ, द रेशियो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, द रेशियो ऑफ डायगोनल डायगोनल ऑफ लेंथ कितना दिया है वो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है वो रेक्टेंगल भाई हम लोगों का, हैविंग द डायगनल ऑफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, 1 मिनट, BREADTH कितना है ब्रेथ हम लोगों का, 3 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे ये सम को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो क्या है, द रेशियो ऑफ अ डायगनल ऑफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ, बराबर ना। तो रेशियो ऑफ अ डायगनल ऑफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है हम लोगों का यहाँ पे, अपना 3 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोगों को डायगोनल डिवाइडेड बाय लेंथ करना है, क्यों ऐसा, तो देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल ऑफ द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ, बराबर डायगोनल डायगोनल टू है, सॉरी डायगोनल टू द लेंथ है, बराबर ना। तो डायगोनल टू द, ठीक है, तो डायगनल डिवाइडेड बाय लेंथ करना है हम लोगों को, क्या करना है, इन शॉर्ट डायगनल डिवाइडेड बाय लेंथ करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोगों को यहाँ पे अभी समझना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ये रेक्टेंगल बनाया ए, हाँ ए बी सी डी, ठीक है, तो हम लोगों को ये डायगनल फाइंड करना है सबसे पहले, तो बराबर ना, क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कुछ कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ, क्या है ये हम लोगों का, रेक्टेंगल, बराबर, देयर फॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है भाई, 90 डिग्री है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर क्या आया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया हम लोगों ने भाई, बी सी स्क्वायर, बराबर ना। तो ए बी, ए बी कितना है हम लोगों का, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 9, बराबर ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ए सी, ए सी स्क्वायर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ए सी इक्वल्स टू √25, तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई यहाँ पे, 5 आ गया। तो ये हम लोगों को कितना मिला है, 5 सेंटीमीटर मिला है। तो अब हम लोगों को फाइनली क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे रेशियो लिखना पड़ेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा रेशियो इक्वल्स टू क्या बोला है, डायगोनल, डायगोनल टू द लेंथ बोला है ना, तो डायगोनल बराबर अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेंथ। तो डायगोनल कितना है हम लोगों का आ रहा है 5 और लेंथ कितना है 4, तो कितना आ गया आंसर, 5:4। तो बस यही था हम लोगों का इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी के साथ में हम लोगों का यहाँ पे ये सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है। अब हमको चलना है यहाँ पे अपने थर्ड सम की ओर, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ से ये चीज को रब करना होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि हम लोगों ने अभी तक ये जितने भी सम कर रहे हैं इसमें के आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे। थोड़ा बहुत आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है किसी किसी बच्चों को कैलकुलेशंस वगैरह में, ठीक है ना। किसी किसी का वीक होता है मैथ्स, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आप अभी भी स्टिक रहिए अपने बेसिक्स पे, अपना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना टेबल्स को अच्छे से करिए, प्लस माइनस पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की कीजिए। अब देखो, गलत होना है तो वो किसी के भी साथ में हो सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वीक के साथ में ही गलत होगा या फिर स्कॉलर नहीं गलत कर सकेगा। कभी कभी हो जाता है लिखने में, घाई घाई में हम लोग लिख देते हैं, तो ये सब बात तो अलग है। तो फ्रेंड्स, बट हम लोगों को यहाँ पे एक बात यहाँ पे पता चलती है कि मैथ्स जो है कि हम लोगों को क्या करना है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करेंगे तो ही हमको आएगा वो अच्छे से, तभी हम उसके क्या हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, नहीं तो हमसे गलतियां होते रहेगी बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, चलो हम लोग अब आ जाते हैं अपने थर्ड सम की ओर। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड सम है। तो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू। अब देखो, ये जो टू होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मालूम है क्या, ये पेरीमीटर ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे कोई तो आएगा, कौन आएगा, पेरीमीटर टू एरिया, तो पी अपॉन ए आएगा, है ना। तो ये कभी भी ऐसे वाले सम आते हैं ना, तो टू का ध्यान देने का, उसके पहले वाले को ऊपर लिखने का और टू के बाद वाले को नीचे लिखने का, ये एक ट्रिक थी जो कि मैंने आपको समझा दी। पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देखो भाई रंग बिरंगी सम बन गया हम लोगों का, हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर, बराबर ना, हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों का क्या था, मैंने पहले से ही इसका आंसर ये बना के रखा है, बराबर ना, क्या हम लोगों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, क्या लिखा हम लोगों ने, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है हम लोगों का, 4 × 4 करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 × साइड होता है कभी भी वो, बराबर ना। तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 4 × मैंने क्या लिख दिया, साइड लिखा। अब देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे ही कर रहे हैं, नहीं तो पेरीमीटर एक अलग से लिखो फिर एरिया लिखो, तो वो सम इतना बड़ा करने में कोई मतलब नहीं है। आपको खाली एग्जाम में ये 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे भी हम लोगों ने कर दिया तो भी कोई वांदा नहीं है। और हम लोगों का इसका एरिया क्या होता है, तो साइड स्क्वायर होता है, बराबर ना दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 × कितना है, साइड 4 है और ये 4 का स्क्वायर लिखा, तो ये कितना हो गया, 16/16, तो ये कितना आ गया, 1/1, तो इक्वल्स टू 1:1 आ गया। कैसे ये 1 आया ये पता ना, आप चला ना आपको, 16 × 16, 16 × 16, है ना। तो इस तरीके से ये 1/1 यहाँ पे आ गया है। और इसी के साथ में हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को करना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को चेक करना है कि क्या भाई ये जो हम लोगों को 3 नंबर्स दिए हैं ये हम लोगों के कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है। क्या है, ये जो 3 नंबर जो दिए हैं हम लोगों को, क्या ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ए इक्वल्स टू टू, बी इक्वल्स टू फोर, सी इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, 8 लिखा, बराबर ना। हम लोगों का कंटिन्यूड प्रपोर्शन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बराबर ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। बट अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बी स्क्वायर कितना है हम लोगों का, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई, 16। फिर a × c ये कितना है हम लोगों का, तो 2 × 8, तो ये भी कितना आ गया, 16, बराबर ना। तो नाउ वी कैन से दैट कि ये जो है हम लोगों का क्या है कि हियर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हियर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 18, दैट इज क्या हो गया ये हम लोगों का, b² इक्वल्स टू ac, है ना। तो देयर फॉर क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 4, 8 आर इन, क्या बोलूंगा मैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, देयर फॉर 2, 4, 8 आर
आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को इसको ये कर देना है, और हम लोग अब चलते हैं इसके सेकंड सम की ओर। तो तब तक मैं इस चीज को यहां से रफ कर देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट दीजिए मुझे। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, हमारे सेकंड सम को, थर्ड सम को, और हम लोग इस वीडियो में फिफ्थ सम तक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और फिर इसको स्टॉप करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के सम्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे आप फोकस कीजिए। हम लोगों को कंटिन्यूड प्रपोर्शन का फॉर्मूला पता है पहले से, क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, बराबर ना। ये है हम लोगों का क्या, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का फॉर्मूला। हम लोगों को 3 नंबर्स दिए गए हैं, उसको हम लोगों को लगा के मतलब उसको स्क्वायर निकालना है किसका, बी का, फिर ए इंटू सी करके देखना है। अगर वो आंसर सेम आ रहा है जैसे फर्स्ट केस में आया था, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे कि वो है हम लोगों का कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं हमारा सेकंड सम, जो कि क्या दिया है, 1 2 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 1 1 2 और 3। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले ऐसा लिखना है, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू क्या लिखा हम लोगों ने, 3 लिखा, बराबर ना। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था मालूम है क्या, ये थोड़ा सा हम लोगों ने घाई घाई में कर दिया था। ये स्टेप यहाँ पे मत लिखो, क्या करो इसको मत लिखो, यहाँ पे इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2, बराबर ना। फिर लिखो ऐसा, चलो मैं सेकंड सम में बताता हूँ कैसे करना है ना। तो आप उसको भी वैसे कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4, बराबर। इसको दिया मैंने नंबर 1, फिर क्या किया मैंने यहाँ पे, ए इंटू सी, तो ये क्या आया, 1 इंटू 3, तो ये आ गया 3, अब ये 2। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोगों को ये समझा कि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या है, ए सी। तो हम लोग अब फाइनली क्या लिखेंगे, देयर फॉर 1 2 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सम समझ गया होगा। हमको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप जरा जो भी कुछ है चेंजेस वो अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट सम में कर दो। अब मैं चलता हूं हमारे थर्ड सम पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 12 और 16, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9 12 और 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक और एक काम हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट वर्ड आगे लगा लेते हैं। कोई भी चीज अज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, मन से तो नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे लेट लिख दिया ये। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू कितना है 12 और सी इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 16 है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर ए इंटू सी, तो ए कितना है हम लोगों का 9 इंटू 16, तो ये कितना होता है भाई, 144 होता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 1 एंड 2, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बराबर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब ये तो लिख दिया हम लोगों ने, फिर देयर फॉर 9 12 और 16 क्या है हम लोगों का, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको ये सम भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की ओर, तो जो कि क्या है, फोर्थ सम है। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा पहले से ही। चलो हम लोग अब चलते हैं हमारे फोर्थ सम की ओर। तो वो क्या है, किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे करना है, तो हमको तो पता ही है, खाली नंबर्स को हम लोगों को पुट करना है और वो आंसर हमारा आ जाएगा। अभी तक हम लोगों को 2 सम्स आ चुके हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन है करके, एक का नहीं आया है। चलो देखते हैं फोर्थ में क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो ब्रेक हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग मतलब ब्रेक के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे फोर्थ सम में क्या होने जा रहा है। तो चलो फोर्थ सम क्या है हम लोगों का, वो लिख लेते हैं, 3 5 और 8 है, बराबर ना। क्या है ये क्वेश्चन, 3 5
और 8, बराबर ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा लेट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 5, और c इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर लिखता हूं मैं, बी का स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे 25, इसको दे दिया नंबर 1, फिर a इंटू सी, तो ये कितना है 3 × 8, तो 3 × 8 हजार कितना होता है भाई 24। ब्रेक के बाद हमको पता चल गया कि ये है नॉट कंटिन्यूड प्रपोर्शन, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1 और 2, क्या लिख रहा हूं मैं, बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी, दे आर फॉर 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम है अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे मतलब जो आज का जो लास्ट सम है हमारा, आज जो हम लोग इस वीडियो में लास्ट सम अपलोड करने जा रहे हैं उसकी तरफ, तो वो क्या है हम लोगों का, फटाफट लिखते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, वो फिफ्थ सम है। तो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, क्या लिखा मैंने, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बराबर। फिर इफ ए इक्वल्स टू 3, क्या है, इफ ए इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू कितना है 27 है, बराबर। देन हमको क्या फाइंड करना है, तो बी बी देन फाइंड बी, बराबर ना। तो यहां पे हमको सॉल्यूशन अब लिखने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी आर इन क्या है ये हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बराबर ना, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है हमारा क्या होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो यहां पे वापिस से लिखा बी स्क्वायर, और ए कितना है भाई हम लोगों का 3 है, और ये कितना है 27 है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 7 जार कितना होता है भाई 14, 1 कैरी, 3 × 2 जार, एक मिनट रुको, 3 × 7 जार कितना होते हैं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, घाई घाई मत करो, थोड़ा सा रुको, 3 × 7 जार होता है हम लोगों का 21, ठीक है, एकदम घाई मत करो। हाँ, यहाँ पे कितना आया 21, 3 × 2 जार कितना होता है 6, 2 कैरी था, 8 हो गया ये, बराबर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b इक्वल्स टू रूट 81 कर दिया मैंने, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 9 आ गया, क्यों, क्योंकि ये 9 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 81, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये स्क्वायर निकाल के ऐसे में रूट लिख देता हूं, तो हम लोगों को वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि टेकिंग स्क्वायर रूट करके। सो फ्रेंड्स, ये भी तरीका है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते थे b हटा के और फिर यहाँ पे 81 लिखते थे, मतलब 81 नहीं, यहाँ पे 9 लिखते थे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।